नमस्कार, आज का विषय है बायोमिमिक्री। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, लुक डीप इनटू नेचर एंड यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग बेटर। प्रकृति की गहराइयों को देखिए और फिर आप सब कुछ बेहतर समझ पाएंगे। तो चलिए आज प्रकृति की गहराइयों में चलते हैं और जानने और पहचानने की कोशिश करते हैं कि बायोमिमिक्री क्या है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप आसमान से ज़मीन पर कैसे सुरक्षित उतर सकते हैं, तो आप कहेंगे कि आप पैराशूट का इस्तेमाल करेंगे। पर क्या आप जानते हैं कि कैक्टस के लहराते फूलों से मानवता को इस समस्या का हल मिला था? अगर हम टेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट्स की तुलना प्रकृति के प्रोडक्ट्स से करें, जैसे कि पौधे या जीव जंतुओं से, तो हम ये पाएंगे कि छोटे छोटे जीव जंतु या पेड़ पौधे अपने आप में काफ़ी एडवांस्ड होते हैं। वैज्ञानिकों ने भी इस बात को माना है कि इंसान की समस्याओं के समाधान का सबसे अच्छा तरीका है प्रकृति का अध्ययन करना। प्रकृति की इन्हीं रहस्यों को खोलना बायोमिमिक्री कहलाता है। अगर हम आकाश का उदाहरण लें, तो आकाश में उड़ने वाला विशालकाय हवाई जहाज़, जो कि पक्षियों से कहीं ऊंचा उड़ सकता है, वो एक छोटी सी चिड़िया गुरु का एक महत्वाकांक्षी शिष्य है। एयरक्राफ्ट्स को डिज़ाइन करने के लिए डिज़ाइनर्स ने पक्षियों के शरीर, सर, छाती और उनके अद्भुत पंखों के नेचुरल डिज़ाइन का सहारा लिया है। वैसे तो एरोप्लेन काफ़ी ऊँचा उड़ सकता है, लेकिन वो हवा में एक जगह पर स्थिर नहीं रह सकता। अब जब लोगों ने इस बात पर सवाल उठाए, तो जवाब मिला व्याध पतंग में, जिसको कहते हैं ड्रैगन फ्लाई। इस बात पर गौर किया गया कि ड्रैगन फ्लाई अपनी पंखों की वजह से हवा में स्थिर या स्टेशनरी रह पाता है, और इसी रहस्य को हेलीकॉप्टर में ब्लेंड कर दिया गया। इतना ही नहीं, छोटे छोटे कीड़ों को देख देख के ऐसे भी हेलीकॉप्टर्स डिज़ाइन किए जा चुके हैं जो 6 इंच से कम होते हैं और जिसका इस्तेमाल युद्ध या वॉर में किया जा सकता है। अंधों के लिए एक एडवांस्ड छड़ी डेवलप की गई है, जिसमें चमगादड़ों से इंस्पायर होकर रडार टेक्निक का इस्तेमाल किया गया है। इस रडार टेक्नोलॉजी की मदद से सड़क पर मौजूद ऑब्स्टेकल्स का एडवांस में ही पता चल जाता है। बायोमिमिक्री का एक बहुत ही प्राचीन उदाहरण है वेल्कोटेप। वेल्को टेप का इस्तेमाल हम रोज़मर्रे की ज़िंदगी में करते ही हैं, जैसे कि कपड़ों में या बैग्स में। पता है इन वेल्को टेप्स की इंस्पिरेशन कहाँ से मिली? एक स्टिकी ग्रास होता है, जंगली घास, जिसके बीज हमारे कपड़ों में या बालों में चिपक जाते हैं। जहाँ एक तरफ लोगों को ये बीज बेकार दिखते हैं, वहीं दूसरी तरफ 1951 में जॉर्ज मिस्ट्रल ने इन्हीं स्टिकी ग्रास के बीज पर आधारित करोड़ों का बिजनेस एस्टैब्लिश किया था। उन्होंने बस ऑब्जर्व किया कि उनके कुत्ते के फर से ये सीड्स कैसे चिपक जाते हैं, और सिर्फ इस बात को स्टडी किया कि कैसे इन सीड्स के छोटे छोटे हुक्स कपड़ों से, लेदर से या फर से चिपक जाते हैं। जापानीज साइंटिस्ट्स ने तितलियों को रंग बदलते देखा, तो उन्होंने इसी बात को स्टडी करके ऐसे सरफेसेस बनाए जो रंग बदल सकते हैं। रंग बदलने वाला होलोग्राम तो आपने देखा होगा।
ये नैनो टेक्नोलॉजी का एक ऐसा आविष्कार था जिसमें अलग अलग डायरेक्शन से आ रही लाइट को मैनिपुलेट किया जाता है। फिलहाल हमारे देश में तो नहीं है, पर आपने मीडिया में सुना होगा कि एक हाई स्पीड ट्रेन होती है जिसको बुलेट ट्रेन कहते हैं। चाइना और जापान जैसी कंट्रीज में इन ट्रेन्स का इस्तेमाल काफ़ी होता है। इन ट्रेन्स के डेवलपमेंट में जो सबसे बड़ी बाधा आई वो ये थी कि जब ये ट्रेन्स किसी टनल या सुरंग से गुजरती थी तो एयर कंप्रेशन की वजह से काफ़ी शोर या नॉइज़ प्रोड्यूस करती थी। पता है इसका सॉल्यूशन कहाँ मिला? किंगफिशर में। किंगफिशर के चोंच की अद्भुत डिज़ाइन की वजह से ये शांतिपूर्वक हवा में उड़ते हैं और शांतिपूर्वक पानी से अपना शिकार भी पकड़ पाते हैं। इस बात पे गौर करके जापानीज साइंटिस्ट ने बुलेट ट्रेन्स की चोंच भी किंगफिशर की चोंच की तरह बना डाली और इससे उनके क्वेश्चन का एक परफेक्ट आंसर मिल गया। इससे एक अनएक्सपेक्टेड एडवांटेज भी मिला। इससे ट्रेन की 15% ऊर्जा की बचत हुई और 10% स्पीड भी बढ़ी। वैसे तो दीमक का लगना एक परेशानी होती है, पर हमने दीमक से भी बहुत कुछ सीखा है। ये दीमक बड़े अच्छे आर्किटेक्ट होते हैं और ये अपनी स्पेशल इमारत बनाते हैं। ये इमारत गर्मियों में भी ठंडा रहते हैं। इनका डिज़ाइन ऐसा होता है कि इनलेट वाले छेद नीचे बनते हैं ताकि ठंडी हवा अंदर आ सके और आउटलेट वाले छेद ऊपर होते हैं ताकि गर्म हवा ऊपर जाके निकल सके बाय कन्वेक्शन। हमारी मेगा बिल्डिंग्स में भी इन्हीं दीमकों की टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है। छोटे छोटे कीड़ों से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है, जैसे कि कॉकरोच। साइंटिस्ट इनको स्टडी करते हैं क्योंकि उनको पता है कि इनको स्टडी करके नए टेक्नोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स मिल सकते हैं। एक ग्लास स्पंज होता है जो गहरे समंदर में पाया जाता है। ये बहुत ही कमज़ोर केमिकल कंपोनेंट्स का बना होता है, लेकिन इसका स्केलेटन काफ़ी मजबूत होता है। कभी कभी हम पानी के ऊपर पॉन्ड स्केटर्स को देखते हैं। ये मच्छर की तरह दिखते हैं, पर स्केटिंग कैसे कर लेते हैं? एक और आश्चर्य है कि शार्क की स्किन रफ होने की वजह से उसकी स्पीड बढ़ जाती है। साइंटिस्ट्स ऐसे सवालों के जवाब ढूंढने में लगे हुए हैं। बायोमिमिक्री एप्लीकेशंस के हजारों में से ये कुछ एग्जांपल्स हैं जिस पर मैंने आपका ध्यान आकर्षित करना चाहा है, क्योंकि आप में भी वो कैपेबिलिटी है कि आप भी प्रकृति या नेचर को ऑब्जर्व करके उन आइडियाज को डेवलप कर पाएं जो टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाने में मददगार होगा। माँ प्रकृति इस संसार की जननी है। चाहे आप माने या ना माने, प्रकृति ने हमेशा आपका साथ दिया है। प्रकृति हमें चैलेंजेस देती हैं, लेकिन अगर आप प्रकृति की गहराइयों में उतर पाते हैं तो इससे महत्वपूर्ण और इससे बड़ा सौभाग्य और कोई नहीं है। प्रकृति का उत्सुकता के साथ अध्ययन करने के लिए अपने आप को ट्रेन करिए और प्रैक्टिस करिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये बात पक्की है कि आप बड़ी आसानी से नई टेक्नोलॉजी या फिर नई दुनिया की खोज कर पाएंगे। मेरी दुआ है कि आप प्रकृति की खोज करें और अपने लिए एक आविष्कारक बने। उम्मीद है आज की बात आपको समझ में आई। कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट में लिख के मुझे ज़रूर बताएं। तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, एन्जॉय लाइफ। नमस्कार।